सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबसे पहले आप यहां पहुंचे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी थी यहां, SHO साहब, फायर ब्रिगेड और हमारे ये लोकल थे और जो बाजार में यहां तैनात थे पुलिस वाले, उनकी वजह से हमारी जो दुकान का बहुत नुकसान होने से बच गया। लेकिन बाकी जो जहाँ थी, जो जितनी बाकी दुकानें थी वो बच गई हैं। एक दुकान का नुकसान हुआ है लेकिन उसके फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। क्या तहसील एडमिशन का भी और पूरे आप मीडिया वालों का सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ये मदद हुई और ये बाकी काफ़ी नुकसान होने से बच गया। और वार्ड नंबर 11 में जो अमजद अली हैं, फूलकोट के रहने वाले हैं, उनकी एक शूज़ की दुकान थी, उसमें अचानक आग लग गई और उस बेचारे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि उसका संज्ञान लिया जाए और उसको जल्द से जल्द उसके कागज बनवा कर उसको कंपनसेट किया जाए। वो बहुत गरीब है और आजकल नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उसने कहीं से लोन भी अप्लाई किया हुआ था, लोन लिया भी हुआ था, तो दुकान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए और उसको कंपनसेट किया जाए। बाकी पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये जो ऐसा ना आए, मगर अनफॉर्चुनेटली आग बहुत तेज़ थी जिसकी वजह से उसका भारी नुकसान हो गया। लगभग आधे घंटे से पौने घंटे पहले की बात है कि यहाँ पे सुनकोट जूरी ऑफिस के नज़दीक राइट साइड में जो है गली में जाके अमजद फुटवेयर नाम की एक शूज़ की दुकान थी, इसमें अचानक जो है अचानक आग लगी। पॉसिबली जो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, दुकान बंद होती है। वहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इमीडिएटली हमने फायर स्टेशन की गाड़ी कॉल की, काफ़ी लोग वहाँ लेके भी बैठे थे। मेरे साथ मौका पे जो है वो पुलिस पार्टी में ऐसा चीज होती है, इमीडिएटली जो है हमारे लोगों ने आपको कंट्रोल कर लिया है कि अमजद अली जो हमारे सुनकोट के थे, जिनकी उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ उसका अलग से जो एस्टिमेट लिया जाएगा और जो कार्रवाई होगा।